अवाम हमारे किन काबिले फख्र कारनामों पर हमें वोट देंगे, शहबाज शरीफ ने बता दिया। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में खसूसी गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी 13 पार्टियों पर मुश्तमिल 16 माह की मुख्तसर तरीन वफाकी हुकूमत थी। इलेक्शन में हम ये कह सकते हैं कि हर पार्टी का अपना जाविया सोच मुख्तलिफ होने के बावजूद हमने मुल्की मुफाद को मलहूज़े खातिर रखा। 13 जमाती इत्तेहाद चलाना कोई आसान काम नहीं था। ये 16 माह की मुख्तसर तरीन वफाकी हुकूमत थी और 13 पार्टियों पर मुश्तमिल थी। सबसे पहली बात जो इलेक्शन में हम सब मिलकर कह सकते हैं कि हर पार्टी का अपना अपना जाविया नज़रिया मैनिफेस्टो सोच मुख्तलिफ होने के बावजूद भी हमने मुल्क के बेहतरीन मफाद में ये इत्तेहाद और ये यकजहती साबित की पूरी कौम को। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन सैलाब आए, इत्तेहादी जमातों और इदारों ने मिलकर सैलाब मुतासरीन को जो भी रिलीफ दे सकते थे वो दिया। बैरूनी ममालिक से आई इमदाद को शफाफ तरीके से तकसीम किया, सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिल को मुआफ किया ताकि उनको कुछ रिलीफ मिल सके। सैलाब पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन सैलाब आए, बदतरीन, और उसको इस इत्तेहादी हुकूमत ने और तमाम इदारों ने मिलकर दिन रात मेहनत करके और सैलाब जदगान को जो भी रिलीफ हम पहुँचा सकते थे अपने वसाइल से, जो बाहर के ममालिक से आई जो भी इमदाद आई उनको हमने इंतहाई शफाफ तरीके से तकसीम किया। वजीर आजम ने कहा कि 16 माह की हुकूमत चलाने का दौर मुश्किल तरीन था, अपने 38 साल सियासी दौर में इतने सख्त दौर का सामना नहीं किया, किस हद तक हम कामयाब हुए इसका फैसला अवाम करेंगे। IMF के प्रोग्राम का दोबारा जोड़ना जान जोखों का काम था जो हमने किया, पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। IMF के 3.2 अरब डॉलर की पहली किस्त मिल चुकी, ये मुश्किल तरीन मरहला था।